Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैः च पतितानां प्रावणेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम हरि राम 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 बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम हरि राम राम राम। सर्वप्रथम हरिगुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया, लेकिन जब सन्यास ग्रहण किया उनको गुरु जी उनका नाम क्या दिया था? कृष्ण चैतन्य। क्या नाम याद है किसको? चैतन्य नाम दिया था। और क्या नाम दिया था? बोलो क्या नाम दिया था? कृष्ण चैतन्य। क्या नाम दिया था बोलो? तुम लोग को याद है नहीं? कुछ याद है नहीं? क्या नाम दिया था? श्री कृष्ण चैतन्य। क्यों श्री कृष्ण चैतन्य नाम दिया? महाप्रभु का नाम अनुगुरु गुरु जी ने क्या नाम दिया? श्री कृष्ण चैतन्य। क्यों श्री कृष्ण चैतन्य नाम दिया बोलो? ब्रज प्रभु जी महाराज अब तो महाराज जी लग रहे आपको सबसे पहले संन्यास दिया। बोला श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों दिया है? क्यों दिया है बोला? कुछ याद नहीं? हाँ देखो इसको 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 इसका एक प्यार लिख लो। बोले जत जगत रे तुमी कृष्ण बोलाइला कराइला चैतन्य कृष्ण प्रकाश प्रकाश करिला। हाँ इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य। जब तो जगत रे तुम्हें कृष्ण बुलाई, तुमने क्या किया? जगत में सबको कृष्ण बुलवाया है, इसलिए कृष्ण बुलवाया। और कराई लो चैतन्य और कीर्तन प्रकाशिया। और जगत को उन्होंने क्या प्रदान किया? कृष्ण बुलवाया कृष्ण और जगत में चेतनता उन्होंने प्रदान किया। जगत में कृष्ण भक्ति रूपी चेतनता जिसने सारा दुनिया को प्रदान किया है, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? श्री कृष्ण चैतन्य। क्या नाम हुआ? बोलो राधा नाम। क्यों इनका नाम कृष्ण चैतन्य हुआ? वो कितने शीघ्र बोलिए को जगत में कृष्ण भक्ति रूपी चेतनता जिसने सारा दुनिया को प्रदान किया, इसको याद रखना ठीक है।
इसलिए इनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। और गुरु जी सोच रहे हैं इनको क्या मंत्र देंगे, महाप्रभु ने क्या बोला, बोले गुरुदेव रात में मैंने एक स्वप्न देखा, देखो तो क्या यही मंत्र आप जो मंत्र देना चाहते हैं। फिर उन्होंने महाप्रभु स्वयं उनको कानों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इसलिए महाप्रभु सबसे पहले उनको कानों में मंत्र प्रदान किया। पहले महाप्रभु उनको गुरु, उनको महाप्रभु ने उनको अपना चेला बना दिया, उनका शिष्य बना दिया है, क्योंकि वो कौन है, महाप्रभु कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो तो जगत का गुरु, उनका गुरु कौन बनेगा फिर है, उनका गुरु कौन बन सकता है। इसलिए पहले महाप्रभु उनको अपना शिष्य बना दिया, शिष्य बना करके फिर उनसे महाप्रभु ने मर्तव्य प्रदान किया, इसलिए उनका नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य नाम हुआ। इसलिए आज हम लोग अंत खंड कथा सुनेंगे, जिस खंड में महाप्रभु कैसे श्री जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी में उन्होंने क्या क्या लीला की है, यह अंत लीला में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है। कद अवतीर्णौ स्वकारुणौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरम श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदम दो भातरम भजे। जब वो अंत खंड को प्रारंभ करते हैं, कहते हैं पहले एक श्लोक लिखते हैं, बोले अवतीर्ण यहाँ पर जैसे, और एक श्लोक है ना, अजान लंबित भुजो कनका बतातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो निजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा। कभी चैतन्य भागवत प्रथम उन्होंने इसी श्लोक को द्वारा उन्होंने नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का वंदन किया, इसलिए हर बदन इसमें दो वचन मतलब एक साथ में उन्होंने नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु दोनों को ही एक श्लोक को द्वारा उन्होंने वंदन किया है। यहाँ पर दिखाया मेरे जो गुरुदेव है वृंदावन दास ठाकुर का गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु, उन्होंने दिखाया मेरे जो गुरुदेव और जो महाप्रभु के कोई अलग नहीं, वो एक ही है, कृष्ण जगन्नाथ और बलदेव ये एक ही है। लेकिन देखने में जगन्नाथ कैसे है, गोरे या सफेद कहते हैं गोरे, और जगन्नाथ जी काले हैं, कहते केवल उनका रंग ही केवल अलग है, लेकिन तत्व तो दोनों भाई वो एक ही है। लीला विलास करने के लिए उन्होंने दो रूप धारण किया, इसलिए कहते इसलिए क्या स्पेल है आजान लंबित भुजो, इसलिए दो बालको 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 है जो दो वचन है ना, इसलिए देखे आजान लंबित भुजो कनका बधा तो सो दो वचन है, दो वचन क्योंकि एक साथ उन्होंने नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का एक साथ में वो वंदना कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी जो एक श्लोक में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु दोनों को वंदना कर रहे हैं, कहते अवतीर्ण मतलब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों ही एक साथ में अवतीर्ण हुए। सकारुण भले दोनों ही बड़े दयालु हैं, क्योंकि जो मार खा करके भी जगत में जिसने मार खा करके जिसने जगत को प्रेम प्रदान किया है, हैं कहते परिच्छिन्न मतलब दोनों कौन है, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भगवान है, लेकिन वो भगवान होते हुए भी लेकिन उनको जो ऊंचाई है ना, हम अपना हाथों में कितना है, साढ़े तीन हाथ है, इसलिए भगवान कौन, भगवान है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति है, तबे जो ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण, जो सबका कारणों का जो मूल कारण है, लेकिन भगवान होते हुए भी इन्होंने इनका आकार कैसे है, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब लोग अपना हाथ में साढ़े तीन हाथ है, इसलिए वो भगवान होते हुए भी कृष्ण रे जतक लीला सर्वतम नर लीला, भगवान का जितने लीला है सर्वश्रेष्ठ लीला कौन, भगवान का नर लीला, नर गोपुर है अनुरूप, जैसे एक साधारण जीव जैसे लीला करते हैं, जैसे उसी तरह भगवान होते हुए भी
उन्होंने निराकृत धारण करते हुए जगत में आए। पिछले सदी स्वरूप कद दोनों भाई ही ईश्वर है, जैसे श्रीमन महाप्रभु ईश्वर है उसी तरह श्री नित्यानंद प्रभु भी कौन है, कारण को साई गर्भद साई च पयब्धि साई शशांश जस्यांश सकला स नित्यानंदाख्य रामम शरणम अमास्तु। इसलिए जो नित्यानंद प्रभु कौन है कद ये मूल संकर्षण है, इसलिए ख्याति के बलदेव बलराम हैला निताय बलराम प्रभु ही नित्यानंद प्रभु बन कर गाय। इनसे ही गर्भोद साई खिराब दिशाई और जो कारणाब दिशाई शेष सबके सब श्री नित्यानंद प्रभु से ही प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं दोनों ही ईश्वर है, भले श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो तो भ्रातरो गजे, हम दोनों भैया श्रीमान नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों को ही हम भजना करते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की। उसको बाद में और एक श्लोक में दोनों को वंदना कर रहे हैं, बोले नमः त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सुपुत्राय सकल त्रयते नमः। कहते नमः त्रिकाल सत्याय, कहते ये महाप्रभु कौन है, कहते तीनों काल में जो सत्य हैं, ये तीनों काल में जो, इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज गोसाम जन्मित्र परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातन। कौन कह रहे हैं, ये पितामह ब्रह्मा कह रहे हैं। कहते ये कौन है, ये पूर्ण है, ओम पूर्ण मद पूर्ण विदम, उसके बाद में पूर्णात मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते। ये जो भगवान कृष्ण महाप्रभु कौन है, ये पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण जाने पर पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण जाने पर पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण जाने पर भी वो पूर्ण है। जगन्नाथ पूर्ण है, उनसे निकले बलदेव प्रभु भी पूर्ण है, इनसे निकले शंकरसन भी पूर्ण है, उनसे निकले कारण तक साई वो भी पूर्ण है, गर्भ तक साई पूर्ण, क्रियावृत्ति साई पूर्ण, सब पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण जाने पर भी पूर्ण पूर्ण। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि दिया है, जब कोई दिया जल रहा है, जब हम दूसरे दिया जलाएंगे पहले दिया से कुछ काम हो जाएगा नहीं, अगर दूसरे दिया तो अगर तीसरा दिया जलाएंगे वो दिया काम हो जाएगा नहीं। कहते साधारण जड़ वस्तु में भी ये चेतनता है, जड़ वस्तु में भी दिव्यता है, और भगवान तो पूर्ण ही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते तीन काल में जो सत्य है, इसलिए यहाँ कहते विश्व सृष्टि अग्रे है, कहते विश्व का सृष्टि से अग्रे मध्य अंत भूत सर्वकाल सत्य नित्य सनातन कौन है, कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, ये पूर्ण शुद्ध सत्य ये सनातन। इसलिए नमस्त्रिकाल सत्याय, तीन काल में जो सत्य रहते हैं। कहते जगन्नाथ सुताय च, ये किसके बेटे हैं, महाप्रभु का पिता जी का नाम क्या था, क्या था, जगन्नाथ मिश्र था। कहते जो जगत का जो पिता उनका कोई पिता हो सकता है, जगत पिता तुम्हें वो माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविण तमेव तमेव सर्वम। जो जगत का पिता उनको मेरे कोई पिता कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कहते जगन्नाथ सुताय च, श्री जगन्नाथ जी का जो बेटा है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं ये जगन्नाथ जी का बेटा क्यों हुए, इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं अजो अभिसन अभय आत्मा भूतानाभि ईश्वर अभिसन प्रकृति समधिष्ठाय समवामी आत्मा। भगवान कहते मैं अज हूँ, लेकिन अज होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ, अभय आत्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। बोले क्यों जन्म लेते हैं, कारण क्या है, क्यों जन्म लेते हैं बोलो। इसलिए अनुग्रहाय भक्ता नाम करो मैं विविध क्रिया, इसलिए भगवान जन्म लेते हैं अनुग्रह करने के लिए, दूसरों को बारे में अनुग्रह करने के लिए। अगर भगवान नहीं आते फिर बैठ कर कथा सुनते हो, अभी किसके कथा सुन रहे, महाप्रभु, महाप्रभु तो भगवान है, वो तो अजय है, जन्म रही रहे लेकिन वो जन्म नहीं रहते। अभी जो इतना दिन से महाप्रभु कितने सुंदर सुंदर हम कथा सुन रहे हैं, अगर वो जन्म नहीं होते पर हम क्या कथा सुनते बैठी करके,
पर तो दुनियादारी बेटा बेटी नाती पोती दुनिया की बात हम बैठ करके बात करते, लेकिन जब हम भगवान की बात करते और उनका लीला कैसे लोकवत लीला कही बोला, उनका जो लीला है एकदम लोकवत है, इंसान जैसे बचपन में नटखट करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, ऐसे ही देखो भगवान का पूरा लीला ऐसे है। क्यों भगवान ऐसे लीला क्यों किए, कारण किया, बोले कारण है नरवत इसलिए लीला किए, अगर वो दिव्या दिव्य लीला करते ना हमारा मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, बचपन में गोपियों के घर में जाते हैं, महाप्रभु भी जाते हैं, क्या करते हैं बच्चे जैसे जब नवद्वीप में जो लड़कियां हैं जब पूजा करते हैं, इस शिवलिंग को पूजा करते हैं, महाप्रभु क्या कहते हैं, अरे मैं तो शंकर हूँ मेरे को पूजा करो, मैं बर दूंगा है, मैं बर दूंगा मेरे को पूजा करो, शंकर जी शंकर तुम्हारा सेवक है, अगर मेरे को पूजा नहीं करोगे ना लड्डू नहीं खिलाओगे तो मैं अभिशाप दूंगा, 700 दिन बनेंगे तुम्हारे, 700 दिन बनेंगे। इसलिए महाप्रभु एकदम बच्चा जैसे नटखट करते हैं, इसलिए कृष्णा भी ऐसे ही गोपियों के घर में जा जा करके ऐसे ही कृष्णा नटखट करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं भगवान इसलिए जन्म लेते हैं, कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानाम करोमि विविध क्रिया। कृष्ण जो मधुर लीला की है, रामचंद्र जो मधुर लीला की है, केवल भक्तों को उन्होंने अनुग्रह करने के लिए। इसलिए कृष्ण जब छोटे बच्चे थे कितना थे, 3 महीना के, कितना महीना के थे, अभी 3 महीना में कृष्ण करवट लिया, करवट लेने के बाद देखना बच्चों का, जब कृष्ण बच्चे करवट लेते हैं ना करवट समझते कि नहीं, इसलिए जो अब देखना जो चीज बच्चा चाहते ना सांप जैसे वो चीज पकड़ना चाहते, हर चीज को भी देख दूर में देखेगा वो चीज को पकड़ना चाहते। कृष्ण तो बड़ा नटखट है, अभी कृष्ण सोच रहे घर से बाहर में जाऊं, घर से मैं बाहर जाऊं, पहले चौकट होता था देहली होता था, कृष्ण बहुत कष्ट करके देहली को घर में आए और देहली की बाहर आधा और देहली का अंदर में आधा, दोनों कृष्ण बाहर आधा और कृष्ण अंदर में भी आधा, कृष्ण देहली ऊंचा था, कृष्ण तो छोटे बच्चे अभी तो केवल घुटने पर भी उनको चलना भी नहीं आता, अभी तो जैसे सांप घिसट घिसट चलते कृष्ण चलते, जब कृष्ण आ गए ना एकदम चौकट ऊपर पूरा लटक गए, अभी बाहर नहीं जा पा रहे और अंदर भी नहीं आ पा रहे, इतने में कृष्ण तो करके रोने लगते। ठीक उसी समय में नारद जी और लोमर सरसित देखने के लिए आए, प्रभु जन्म लेकर क्या लीला कर रहे हैं, प्रभु अजन्मा होकर के जन्म लिए क्या लीला कर रहे हैं, लेकिन आ करके देखा यहाँ तो भगवान लटकत भगवान है, भगवान तो लटक रहे और रो रहे। अब ये लीला को देख करके नारद तो बड़े जोर से हा 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 करते करते हंसे, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर रोए, उनको साथ में थे लोमर से ऋषि, बोले नारद जी पहले तो हम हंसे बाद में फिर रोए क्यों। नारद जी कहते इसलिए मैंने हंसा, भगवान कैसे भक्तों को आनंद देने के लिए जिनकी नाम लेने पर जीव भवसागर से पार हो जाते हैं, क्या भगवान के चौकट को पार नहीं हो सकते, जिनके नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाते हैं, क्या भगवान के चौकट को क्या पार नहीं कर सकते, पर भगवान क्यों लटक क्यों रहे, इसलिए केवल भक्तों का आनंद देने के लिए, केवल भक्तों का आनंद देने के लिए। भक्त मेरी ये लीलाओं को चिंतन करते करते इसी लीला को याद करते करते इसी लीला में डूब जाए है, इसमें डूब जाए। बोले भक्तों का सौभाग्य को सोच, बोले रो रहे क्यों, बोले ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख देख करके। ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान की लीला तो ये माया की है, अभी ये जो कृष्ण है ना ये कृष्ण ही पहले ब्रह्म थे और माया पकड़ लिया तो ब्रह्मा भी जी कृष्ण बन करके आ गया है, कृष्ण बन करके आ गया, ये कृष्ण के जब मुक्ति हो जाएगी ना वो भी वही ब्रह्म में लीन हो जाएंगे है। इसलिए जो लीला है ना अनित्य है, समझ गए कि नहीं, ये मायावादियों का फिलोसफी है, इसलिए कहते हैं भगवान को जो लीला, इसलिए ज्ञानी लोग बोलेंगे तो खूब देखना, ज्ञानी लोग जो ब्रह्मवादी लोग वृंदावन में जब खूब भागवत कथा बोलते हैं, लेकिन उनका भागवत कथा कथा नहीं। महाप्रभु क्या कहते हैं, काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाश आनंद मोर देह करे खंड खंड। महाप्रभु कहते हैं जो लोग ज्ञानी लोग भगवान को निराकार मानते हैं, ये लीला को माई की मानते हैं, उनका जो स्तुति है, महाप्रभु कहते हैं जैसे बच्चर जैसे मेरे शरीर को चुभता है, जैसे तीर चुभता है, उनका स्तुति भी मेरे शरीर में चुभता है, उनका स्तुति स्तुति नहीं, उनकी भागवत कथा कथा नहीं। फिर बोलते हैं कि कारण क्या,
फिर दुनिया में काम ही नहीं चलेगा, बोलेंगे नहीं तो पेटी में हम नहीं पाल सकते हैं। इसलिए वो लोग, और वो लोग पंचोपासक है, कोई एक देवता को पांच में कोई एक को सामने रख करके जब तक ये मन स्थिर नहीं हो जाता है तब को मन को स्थिर करने के लिए उसको आदत फेंक दो अनित्य है। इसलिए कहते ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख देख करके मैं रो रहा हूं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कत जगन्नाथ सुताय च, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जगन्नाथ सुताय च मतलब है इसलिए जगन्नाथ अजो अपि शरण अभयात्म अजो होते हुए भी जन्म ग्रहण किया, दुनिया का पिता होते हुए भी उन्होंने पिता हुए, कारण है केवल भक्त बात्सल्यता, केवल भक्तों की प्रेम में मशहूर है, भक्तों को आनंद न चाहते इसलिए उन्होंने भगवान होकर के भी उसका पिता हुए, बोले सब भक्ता है। उसको बाद में उनका भृत्यों को हम वंदना करते हैं, कहते उनका भृत्य लोग कौन है, जितने महाप्रभु का जो परिकर है, जितने भक्त लोग है उनकी, ये सब के सब उनका भृत्य है। उसको बाद में कहते उनका जितने बेटे जो पुत्रों को हम वंदना करते, कहते महाप्रभु का तो बच्चा हुए, महाप्रभु का बच्चा था क्या, नहीं था, तो कहते हैं उनका जितने पुत्र है ना उनका पुत्र को भी हम प्रणाम करते हैं। तब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कहते उनका पुत्र कौन है, कहते शिष्य परंपरा में जितने तिक्त गृह भक्त हो उनका बेटे है। जितने तिक्त गृह जैसे तुम लोग हैं, तुम लोग ही सब उनका बेटे हो जो गुरु परंपरा में, जैसे श्री है, जैसे श्री जैसे सनातन गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी और रक्तजीव गोस्वामी, इनको बाद में कौन आए, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए, उसको बाद में कौन आए, उसको बाद में श्री कौन आए बोलो, उसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु आए, उसके बाद में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज है, ये लोग कौन हुए हैं, उनका जो परंपरा में जो उनकी जो शिष्य परंपरा में आए हैं, कहते जो त्यक्त गृह जो लोगों ने घर द्वार छोड़ करके है, जिन लोगों ने भजन किया, जिनका कोई बेटा बेटी कुछ है नहीं, त्यक्त गृह कहते वो लोग कौन है, कहते ये सबके सब श्री चैतन्य महाप्रभु के कौन हुए बोलो, क्या हुए ये, क्या हुए बोलो, पुत्र, कहते उनका सब पुत्र हो गए, मतलब सब तुम लोग महाप्रभु का बेटे हो, हम लोग सब महाप्रभु के बेटे हैं, महाप्रभु इसलिए कहते त्यक्त गृह भक्त लोग सब के सब उनकी बेटे हैं। कहते सौ कलत्राय, कहते उनका जो कलत्राय उनका जो शक्तियों को भी हम वंदना करते हैं। इसलिए कहते मार्ग दो है, कहते एक राग मार्ग और एक वैधि मार्ग, दो मार्ग में भजन करते हैं। कहते राग मार्ग में उनका कौन शक्ति है, कहते श्री गदाधर पंडित है, श्री स्वरूप दामोदर और राय रमन, कहते इनके ये राग मार्ग में ये उनकी शक्ति है। कहते विधि मार्ग में कौन शक्ति, बोले लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया, कहते इनकी शक्ति ही, कहते इनकी सबके सब कलत्र है, इनकी शक्ति है। कहते शेष खंड कथा भाई सुना एक चिते, नीलाचले गौर चंद्र आइला जयमते। यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर सबको सावधान कर देते हैं, बोले क्या करो, शेष खंड कथा भाई सुना एक चिते, कहते एक चित से उनकी कथा सुनो, चित्तों को इधर उधर मत भटकाया करो, एक मन से कथाओं को श्रवण करो। क्यों, बोले नीला चले गौरव चंद्र आइला जयमते, श्रीमन महाप्रभु कैसे ये नीलाचल, तुम लोग सब नीलाचल वासी, नीलाचल वासी जो तो महाप्रभु गण, सब सब महाप्रभु का गण तुम लोग, इसलिए नीलाचल उड़िया और गौड़िया भक्त, इसलिए कहते सब सबके साथ महाप्रभु नीलाचल में जो आए, कहते आप लोग एक चित्त में श्रवण करो। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण को करने के बाद में वहां पर कहां पर काटुआ में उन्होंने मुकुंद का आदेश दिया, क्या आदेश दिया, तुम कीर्तन करो, हम लोग आते हैं ना संजय मुकुंद पासु भोस आदि गाय, इसलिए मुकुंद कीर्तनिया बड़े सुंदर सुल्ली कंठे में कीर्तन करते थे, जिनकी कीर्तन सुनकर के महाप्रभु एकदम प्रेम में उन्माद हो जाते थे और प्रेम में नृत्य करते थे, इसलिए उन्होंने मुकुंद को आदेश दिया और जितने वहां पर भक्त लोग थे सबके सब हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. चैतन्य महाप्रभु कीर्तन सुन करके प्रेम में आविष्ट हो गए। महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे थे और महाप्रभु का शरीर में जितने अष्टसात्विक भाव एक साथ में स्वेद कंप अश्रुकुल वयोरना है, वो एक कीर्तन है ना, क्या महाप्रभु का कीर्तन है। और जो ये कीर्तन नहीं, उनका जो संस्कृत में श्लोक है, मुंडित मुंडम दिव्य कलेवर, क्या पहला क्या है, उज्जल वर्ण गौरव हम विलसित निरवती भाव विदय त्रिभुवन पावन कृपया लेसम तम प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद। हाँ, उसी कीर्तन में गद गद अंतर भाव विकारम दुर्जन तर्जन नाद विशालम नृत्य विलासम तम प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद। उसमें बताया है महाप्रभु शरीर में है कलेवर मुंडित मुंडम, मुंडित मुंडम, इसलिए महाप्रभु का मुंडित मुंडम केस्तक उन्होंने मंडन किए हुए शरीर में सारे दीप भाव उदय हो रहा था महाप्रभु शरीर में। और महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे उन्होंने संन्यास लिया तो संन्यास का दंड और कमंडल, दंड और उनका कमंडल है। लेकिन महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे ना, बस दंड का मंडल पता नहीं कहाँ जाकर गिरा, उनका दंड का मंडल कहाँ पता नहीं दंड कहाँ गया, उनका कमंडल कहाँ पर गिरा चला गया है। महाप्रभु अछाड़ खा करके, महाप्रभु ने पछाड़ खा करके महाप्रभु गिरे और उन्होंने गिर करके उन्होंने जाकर अपना गुरु को पकड़ लिया। लेकिन जब उन्होंने गुरु को पकड़ लिया, यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले पाया प्रभुर अनुग्रह आलिगन भारतीर प्रेम भक्ति हाइल तखन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनको जाकर के पकड़ लिए, अभी प्रेम किससे आएगा, गुरु से तो चेले के पास में प्रेम आएगा ना। लेकिन महाप्रभु जब उनको गुरु जी को पकड़े, वो प्रेम किसको पास है, महाप्रभु से प्रेम किसको शरीर में आया, श्री केशव भारती को शरीर में। क्यों, जग कृष्ण बंदे जगत गुरु, सबका गुरु महाप्रभु, इसलिए प्रेम का जो प्रतिमूर्ति जो कृष्ण स्वयं राधा जी के भाव और अंग गांधी लेकर के आए कृष्ण स्वयं, इसलिए राधा रानी तो कृष्ण का भी प्रेम का गुरु राधा रानी है। इसलिए गुरु जी की स्पर्श पा करके आलिंगन पा करके कहते केशव भारती का अंदर में भी ये प्रेम का संचार हो गया, ये भी कृष्ण प्रेम में उदंड होकर ये भी नाचने लग गए हैं। और गुरु जी क्या क्या गुरु प्रेम भक्ति पा करके उनका गुरुदेव भी सबके सब लौट पोट उठाने लग गए भूमि में। और जितने भक्त लोग जो देखा महाप्रभु का आलिंगन पा करके केशव भारती के शरीर में भी अष्टसाध्वी के प्रेम प्रकट हुआ, जितने भक्त लोग जो देखा है ना, सबके सब निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरि बोल, सब भक्त लोग हरि बोल करने लगे। तब इसी विषय में श्री प्रभुपाद कुछ अच्छी अच्छी बात बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, हैं यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जिस समय में महाप्रभु नृत्य करते हैं उनको पकड़े प्रेम, कहते उनका जो दंड और कमंडल क्या हुआ, उनको कहीं गिर पड़ा, दंड क्या है नारायण स्वरूप और जो कमंडल ये सन्यासी का यही श्रृंगार है, दंड कमंडल उनके पास में रहता है, कमंडल में भी क्या करते हैं, दंड तो महाप्रभु का साक्षात नारायण स्वरूप है, लेकिन यहाँ पर ये दंड कमंडल यहाँ पर कहीं गिर गया, अर्गत ये कैसी चीज है, दंड कमंडल गिर पड़ा। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं
यदि इसका मतलब है जति धर्म पर संबल संभो उदास ने प्रकाश मिल पाया है, इसका मतलब है ये जो सन्यास ग्रहण करते हैं, क्यों सन्यास ग्रहण करते हैं? सन्यास ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है ये काय मन और वाक्य को दंडित करके ये काय मन वाक्य को द्वारा भगवान की सेवा करना ही यही सन्यासी है। इसलिए एक श्लोक है, वो श्लोक याद है तपस्या तथा क्या श्लोक याद है किसको? क्या क्या श्लोक याद है? याद नहीं आ रही तपस्या तथा क्यों याद किसको भी याद नहीं है ना। यहाँ पर कहते हैं अगर जीवन में अगर कृष्ण प्रेम अगर प्राप्त नहीं हुआ तो वो तपस्या करके क्या लाभ है? हैं वो तपस्या का द्वारा क्या होगा? हाँ अंतर बाहर यदि हरी तपस्या तथा क्यों ना अंतर बाहर जद हरी तपस्या तथा क्यों है। इसलिए तपस्या करने का क्या महत्व है? अगर तुम्हारी हृदय में अगर भगवान नहीं आए तो और तपस्या का क्या जरूरत है? अगर तुम्हारी अंतर बाहर अगर भगवान आ गए पर तपस्या की क्या जरूरत है? हैं ना अंतर बाहर जति हरी तपस्या तथो की। इसलिए जो कुछ हम कर रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है? एक दिन हमारे हृदय में ये कृष्ण प्रेम जागृत हो, कृष्ण के प्रति प्रेम रति जागृत हो। इसलिए यहाँ पर दंडक मंडल के मतलब क्या? जब महाप्रभु प्रेम में आवेश में आए, आवेश में आने पर कहा दंड गिरा कहा कमंडल गिरा उनको याद नहीं रहा। इसलिए लास्ट में जाकर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? दंड को उन्होंने तीन खंड कर दिया, तीन खंड करके गंड उन्होंने नदी में दंडमंगा नदी में उन्होंने बहा दिया। बोले विश्व ब्रह्मांड है, विश्व ब्रह्मांड जिसको धारण करते हैं, मैं स्वयं जिनको धारण करता हूँ और दंड को धारण करते तुम्हें धारण करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? दंड को तीन खंड करके उन्होंने तोड़ दिए उन्होंने। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अगर कृष्ण प्रेम अगर प्राप्त हो गया तो, लेकिन अगर हम अगर ये सोच करके बोले महाप्रभु जब दंड गिर गया अगर हमारे भी कहीं बार दंड गिर जाएगा तो फिर दिख कोई दिख नहीं, ये हमारी अपराध होगा, ये हमारी अपराध होगा। क्योंकि अभी हम लोग संपूर्ण देहभास में विद्यमान है, देह की स्मृति हमारी है, अभी हम लोग वैदिक भक्ति को जांचने कर रहे हैं, इधर राग धर्म की अवस्था है, इसलिए अभी हम वैदिक भक्ति है। इसलिए दंड को अभी दंड नारायण स्वरूप है, दंड को हर समय हमें सम्मान देनी चाहिए। इसलिए हम लोग नहीं कर सकते, ये महाप्रभु के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। इसलिए गौर सुंदर कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रात भर भक्तों को साथ में उन्हें हरि कीर्तन किया, हरि कीर्तन करने पर उन्होंने गुरु जी को बोला गुरुदेव हमें आप बिताए दो, अभी हम चलना चाहते हैं। लेकिन केशव भारती ने कहा गुरु महाप्रभु बोले आपको मैं अभी आपका संग नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि आपका शरीर से ही कृष्ण प्रेम मेरे पास में आया है आपकी कृपा से। और पहले हैं कहते जो केशव भारती है, यहाँ पर दो बात आती है, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये केशव भारती ये माधवेंद्रपुरी बात क्या कोई कहीं कहते हैं ये शिष्य है, लेकिन कोई कहीं कहते हैं ये है जो केशव भारती है ये पहले ब्रह्मवाद का परंपरा में ये आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया पहले उनको कान में उन्होंने मंत्र दे दिया, मंत्र दे करके पहले महाप्रभु उनको अपना चेला बना दिया, चेला बना करके बाद में उन्होंने क्या किया उनसे मंत्र पूरा किया। उनसे कोई एक लड़का गया भागते हुए देखो क्यों क्यों जाओ साधारण देखो के गल एपड़ू वाले एपड़ू बांपड़ू एपड़ू वाले हाँ। इसलिए हरे कृष्ण इसलिए यहाँ पर अच्छा थे गोपाल हाँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तब गुरुजी बोले गुरुदेव बोले गुरुजी बोले प्रभु आपको छोड़कर कभी मैं कहाँ जाऊंगा, आपसे तो मेरे को ये कृष्ण प्रेम प्राप्ति हुआ ना। इसलिए अगर ऐसे जीवन में भक्तों का अगर संग मिल जाए तो है ऐसे अगर जीवन में भक्तों का संग मिल जाए इसलिए श्री राय रामानंद क्या कहते हैं कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम यदि कुत्ता भी लभ्यते तत्र मल्लमेकलम
कोटि सुकृत अभी न लभ्यते है। अगर जीवन में ऐसे अगर भक्त मिल जाए है जो संपूर्ण कृष्ण प्रेम रस में जो सरावर हुए, अगर जीवन में ऐसे अगर भक्त जीवन में मिल जाए ना, गुरुदेव कहते थे अगर सर को भी देना पड़े तो सर काट करके उनके चरण में दे दो, हम उनका सर को भी काट करके उनको श्री चरण में दे दो। इसलिए भक्ति किसको कैसे होता है, संचित ही पूर्व संचित ही सत्संग प्राप्त ही पूर्व सुकृत ही पूर्व संचित ही कहते पूर्व पूर्व जन्म का संस्कार के अनुरूप हमें भक्तों का संग मिलती है, भक्तों का संग मिलती है भक्ति। लेकिन अगर ऐसे अगर भक्तों का संग मिल जाए तो वह जीवन हमारे धन्य हो जाए। मतलब कोटि सुकृत न लभ्यते कहते करोड़ों करोड़ों सुकृत के द्वारा भी जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकता है, अगर जीवन में ऐसे रसी ऐसे भावो ऐसे कृष्ण प्रेम युक्त अगर भक्त का संग मिल जाए कहते इससे बड़ा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है, है? इसलिए कहते रघुगण ही न तपस्या न जाति न जया न निर्वाप न गृह नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत बदो रजो अभिषेकम। जब तक किसी महत का चरण धूल में हम अभिषिक्त नहीं होते हैं तो दुनिया की भले ही जो कुछ कर लो, तपस्या यज्ञ दान जो कुछ कर लो, उसको कुछ होने वाला नहीं। इसलिए उनको जो गुरु जी स्वयं जो महापुरुष का गुरु जी वो क्या कह रहे हैं, आप कृपा करके मेरे को मत छोड़ा करो, आपका साथ साथ में मेरे को भी अपना साथ में ले चलो प्रभु, मेरे को छोड़ो मत, आप जहाँ जाएंगे मैं आपका साथ में जाऊंगा है। तो महाप्रभु ने क्या किया, अपना गुरु जी को अग्रह करके अपना गुरु जी को उन्होंने आगे रख करके उनको पीछे पीछे चले, क्योंकि गुरु जी को पीछे पीछे ही चलनी चाहिए, गुरु जी को आगे हमें नहीं चलनी चाहिए। ऐसे नहीं गुरु जी जा रहे उनको लंघन करके आगे भाग रहे हैं, क्या करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु यहाँ कहते अपना गुरु जी को आगे रख करके गुरु जी को पीछे पीछे गुरु जी की पीछे पीछे चले। अभी उन्होंने चंद्रशेखर को बोल दिया, बोले देखो एक काम करो तुम जा करके हैं कहते आप हमारे पिता हो इसलिए मैं तुम्हारी पुत्र हूँ, इसलिए जा करके भक्त लोगों को बोल दो। क्या बोल दो, मैंने जंगल में कहीं कहाँ चला गया, महाप्रभु अभी कुछ बोले नहीं, जगन्नाथ पुरी तो जाएंगे जब माता जी से आदेश लेंगे, लेकिन बोल दिया जाओ बोल दो भक्त लोग में जंगल में, सन्यासी बोले जंगल में चले जाते थे, बोले अभी मैं जंगल में चला गया जा करके सबको बोल दो। उन्होंने तो सुनते ही उन्होंने तो वहीं पर बेहोश हो गए, महाप्रभु जंगल में चले गए हैं, फिर इनका दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए फिर उन्होंने नदिया में आकर के सब जितने भक्त लोग को अद्वैत आदि जितने भक्त लोग थे उनको आकर के बोल दिया महाप्रभु ने हैं, बोले मैं जंगल में चला जाऊंगा भक्तों को बोल दो। इतना बोलते अद्वैत आचार्य तो वहीं बेहोश हो गए, सची भैया भी सुनकर के बेहोश हो गए, जितने भक्त लोग रोने लग गए। यहाँ पर कहते इनके विरह में तो पहले जितने सब पाखंडी लोग थे जो महाप्रभु को निंदा किया है, जो गोपी 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 बोल रहे थे, जिसको जिन्होंने बोले गोपी गोपी क्यों बोलते, कृष्ण कृष्ण बोलो, महाप्रभु तो राधा भाव में आकर उनको मारने के लिए दौड़े, उन लोगों ने जो षड्यंत्र ना कर रहे थे बोले पहले एक साथ नाम पढ़ रहे थे अभी वो गोसाई बन गया है, गोसाई बन गया, बन करके हमको मारने के लिए आए, हम क्या साधारण है, हम भी उसको मजा चखा देंगे। कुछ पाषाणी लोग थे जो कीर्तन महाप्रभु करते थे वो लोग भी महाप्रभु को गाली गलौज करते थे, कोई काम धंधा नहीं, मृदंग मजरा लेकर के हरे कृष्ण और श्रीधर को क्या बोलते थे, बेटा अगर रात भर खाना नहीं मिलता है पेट में तो भात है ही नहीं, और चित्कार करता रहता है हरे कृष्ण है। कुछ भक्त लोग गाली गलौज करते थे, लेकिन जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर लिया, अभी जितने सब लोग पाखंडी लोग थे ना वो लोग भी बोले ऐसे महापुरुष को हम पहचान नहीं पाए, सबके सब दुखी हो गए रोने लग गए। और जितने महापुरुष का भक्त लोग थे नित्यानंद गदाधर सबके जितने लख कोटि लोग सबके सब दुखी हो गए। जब सब लोग भक्त लोग मरने के लिए संकल्प आकाशवाणी हुआ, तुम लोग कोई चिंता मत करो, तुम लोग कोई चिंता मत करो, दो तीन दिन में तुम लोगों के साथ में मैं मिलने वाला हूँ, क्यों भक्तों को दुख भगवान कभी सह नहीं सकते। सब भक्त लोगों ने फिर उन्होंने बोल दिया कहाँ मिलूंगा, मैं शांतिपुर में तुम लोगों के साथ में शांतिपुर में मिलूंगा। जब वो ऐसे सुने
सब सब भक्त लोग तैयार हुए, चलो हम सब के सब श्री सचिनंदन गौर हरि महाप्रभु से हम सब के सब मिलने के लिए चलेंगे। लेकिन जब मिलने के लिए चलेंगे, लेकिन वहां पर तो गंगा पार होना पड़ेगा। गंगा, गंगा में तो अथाह पानी है, देखे हो गंगा कितना बड़ी, गंगा नवद्वीप में कितना बड़ा गंगा।